अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 30 जून सन 2024 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो है वो अभी कुछ फासले पर है, लेकिन जो लोकोमोटिव है स्टीम लोकोमोटिव वो इधर खड़ा है। तो आज सुबह ही मैं आया था 101 से, क्योंकि प्रोग्राम बनाया था कि नाश्ता करें गुजरांवाला पर, और नाश्ता हमने माशाल्लाह किया है दोस्तों के साथ, उमैर भाई के साथ और तलहा भाई के साथ। तो अभी जो 101 की सिस्टर ट्रेन है 102 डाउन, उस पर इंशाल्लाह ट्रैवल होगा और तकरीबन थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो बिल्कुल शॉर्ट ही जर्नी होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शॉर्ट जर्नी आप ज़रूर इंजॉय करें। आप स्टीम लोको देख रहे हैं, चूँकि बड़ा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये दरख्तों में गिरा हुआ है और इसकी एक अपनी ही लुक है। और इस तरह के जितने भी बड़े स्टेशन हैं, जैसे कि रावलपिंडी है और पेशावर है, वहाँ पर आपको स्टीम लोको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और उनमें से जो सबसे मुनफर्द वो गुजरांवाला रेलवे स्टेशन ही है, जहाँ पर इस तरह स्टीम लोकोमोटिव को सब्ज़े में रखा हुआ है। तो आप जब गुजरांवाला स्टेशन के बिल्डिंग में, अगर आप जीटी रोड से एंटर हों, तो इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलता है और छांव मिलती हैं और एक अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पर, क्योंकि घने दरख्त हैं तो ठंडी ठंडी हवा भी है इधर। और उसके साथ पार्किंग का इंतज़ाम है और जो टिकट घर है वो भी थोड़ा सा ही आगे है, और टिकट ले के ही आगे जो प्लेटफार्म है 1 2 3 4 वहाँ पर जाया जाता है। तो चलें अभी चलते हैं और टिकट लेते हैं, तो इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं, और मैं प्रसिस्टेंट ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। और सामने 1 नंबर प्लेटफार्म, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो उम्मीद है कि प्लेटफार्म पर एक पर ही ट्रेन आएगी, और अभी तकरीबन आधा घंटा है ट्रेन में। दस बजकर 50 मिनट हो रहे हैं और सामने GU20 की क्यादत में 102 डाउन सुबह रफ्तार एक्सप्रेस आ रही है और राइट टाइम पर आ रही है, और मुसाफिरों की एक कसीर तादाद स्टेशन पर मौजूद है। GU20 4564 गुजरांवाला स्टेशन पर ही 39 अब जाफर एक्सप्रेस का क्रॉस पड़ा है, और क्योंकि गाड़ी जो है वो 10 मिनट लेट हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म 4 पर लिया जा रहा है 39 अप को, जो कि कोयटा से चली है और मंजिल इसकी पेशावर है, ZCU20 6423। दोस्तों डिपार्चर विसल हो चुका है और गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो चुकी है।
फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, तो आप बोल रहे हैं टिकट बनाए, बाकी ये हाल है, ये बोतल मेरे पास पड़ी है, सामान पड़ा है, दोस्त मेरे साथ है और यार भाई किधर बैठे हो क्या हुआ अच्छा चले पसीना आ रहा है आपको ये हाल है गर्मी का तो जहर अभी आने वाला बोतल पिला दो मैं यहाँ से पैसे बोतल नहीं पिलाई बोतल यार पीते हैं स्टेशन से अभी रावी तो आ गया है
मिनट हो रहे हैं और गाड़ी जो है वो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से कोई बात ही नहीं हो सकी। लेकिन ये गाड़ी जो है वो आधा घंटा ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है क्योंकि गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर क्रॉस पड़ा था 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस का, तो उसके बाद ड्राइवर साहब ने खूब इसको भगाया है और 100 प्लस तकरीबन स्पीड थी इसकी। और ये यार्ड लाहौर रेलवे स्टेशन का सामने फ्रेट ट्रेन आपको नज़र आ रही है और अक्सर यहाँ पर ही मैं रिस्टैंडिंग करता हूँ। और प्लेटफॉर्म राट पर लिया जा रहा है नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया है जी इसको। तो ये था मेराज का ट्रैवल गुजरांवाला से लेकर लाहौर जंक्शन तक। तो दोस्तों एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रश बहुत ज़्यादा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं रावलपिंडी से या गोजरा से झेलम से तो आप बुकिंग ज़रूर करवाएं। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ट्रैवल में। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।